गाइस आज मैं आपको बताऊंगी डेटा प्रोजेक्टर के बारे में। तो जो डेटा प्रोजेक्टर होता है ना, वो स्मॉल बॉक्स शेप का बना होता है और वो ना मूव भी कर सकता है इजीली। वो पोर्टेबल होता है या उसको आप फिक्स कर सकते हो, जो लाइक ऊपर रूफ के साथ कोई स्टैंड लगा के आप उसको फिक्स भी कर सकते हो। और ये जो है ना, इसके अंदर एक लेंस होता है जो ना इमेजेस प्रोवाइड करता है आपको। इसका पर्पस क्या है, ये इंफॉर्मेशन ना बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा, जब आपके पास ज़्यादा ऑडियंस होते हैं और आपको सबको दिखानी होती है वो इंफॉर्मेशन, तो ये इसलिए यूज़ होता है। इसका एडवांटेजेस हैं, विद द हेल्प ऑफ डाटा प्रोजेक्टर वी कैन ईजली एड्रेस लार्ज ऑडियंस। इसकी हेल्प से ना हम ज़्यादा से बंदों को एक ही टाइम पे हम सारा कुछ दिखा सकते हैं। और इट प्रोवाइड्स अ गुड विजुअल डिस्प्ले और टेक्स्ट ग्राफिक। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसके ग्राफिक और टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से आते हैं। विद हेल्प ऑफ इट स्पीकर्स अ लॉट ऑफ पीपल कैन हेयर टुगेदर। इसके जो स्पीकर्स होते हैं ना, इससे काफ़ी ज़्यादा बंदे एक टाइम पे भी सुन सकते हैं। एप्लीकेशन, डाटा प्रोजेक्टर आर यूज टू गिव प्रेजेंटेशन इन क्लासरूम्स और ऑफिसेज। अक्सर स्कूल्स में भी डाटा प्रोजेक्टर लगे होते हैं। इससे अगर इससे आप इंफॉर्मेशन देते हो, प्रेजेंटेशन परफॉर्म कर सकते हो इस पर। ऑफिसेज में भी ये यूज़ हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे HDTV डेफिनेशन टेलीविजन। सो HDTV स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन टेलीविजन। सो डिस्क्रिप्शन इसकी है, HDTV रिजेंबल्स LED TV दैट इज़ प्रोवाइडिंग मोर क्लियर एंड वाइडर स्क्रीन पिक्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड PCTV। जो HDTV है ना, वो हमें क्लियर और वाइड स्क्रीन प्रोवाइड करती है। इसको हम PCTV भी कहते हैं। इसका पर्पस है, डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट यूज HDTV एज ए वीडियोज एंड इमेजेस कैन बी स्टोर्ड एडिटेड एंड डिजिटाइज। जो डिज़ाइनर्स होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं, वो इस HDTV को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी वीडियोस को स्टोर कर सकें, एडिट कर सकें और डिजिटाइज कर सकें। इसकी एप्लीकेशन है, इट कैन बी यूज्ड इन होम्स फॉर पर्सनल यूज एज वी कैन, ठीक है, एक्सेस द न्यू रिलीज मूवी लाइव TV शोज विथ इट्स इंटरनेट कनेक्टेड। अगर हम इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट करें तो हम घरों में इसके अंदर मूवीज़ देख सकते हैं, लाइव TV शोज देख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है, इट प्रोवाइड स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी, दैट वाई इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेज फॉर मीटिंग्स। इसके अंदर ना स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होता है, इसलिए ये ना ऑफिसेज में भी यूज़ होते हैं। मीटिंग्स में जब बहुत यूजेज होती है तब ये यूज़ होते हैं। HDTV इज़ अ ग्रेट फॉर वॉचिंग लाइव इवेंट्स एंड प्लेइंग गेम्स। HDTV सबसे अच्छा लाइव इवेंट्स देखने के लिए और गेम्स खेलने के लिए अच्छा होता है। और लास्ट है एडवांटेजेस, इसके लाइक 5 एडवांटेजेस हैं। इम्प्रूव्ड कलर क्वालिटी होती है इसकी, बेटर क्लैरिटी एंड डिटेल्स होती हैं इसकी, क्लियर इसकी स्क्रीन होती है ज़्यादा और ये डिटेल्ड होती है ज़्यादा, वाइड और वाइड स्क्रीन व्यूइंग होती है, इसकी स्क्रीन वाइड होती है और ये बेटर साउंड होता है, इसका साउंड भी ऊंचा होता है। नो मोर बल्की गैजेट, लाइक भारी भी नहीं होते और अटकते भी नहीं है, लाइक और अटकते भी नहीं। आगे हम करते हैं प्रिंटर। पहले हम लेज़र प्रिंटर कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ लेज़र प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर स्टैंड बाय क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें हम बताते हैं एडवांटेजेस लेज़र के। इट कैन प्रिंट लार्ज नंबर ऑफ पेजेस एट अ ग्रेट स्पीड। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो काफ़ी सारे पेजेस एक ही टाइम पर प्रिंट कर देता है। सेकेंड है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर एज इट प्रिंट्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम। इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा एक पेज प्रिंट कर सकता है एक टाइम पे, ठीक है। और इसका है, इट प्रिंट्स हाई क्वालिटी आउटपुट। ये इसका हाई क्वालिटी आउटपुट आता है, गंदा आउटपुट नहीं आता, इसका हाई क्वालिटी आउटपुट आता है। दे वर्क साइलेंटली, इनका शोर भी नहीं होता कि आपको गैजेट्स में लगाना पड़े इनको, इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका शोर भी नहीं होता। पर्पस क्या है इसका? लेज़र प्रिंटर आर यूज फॉर प्रिंटिंग इन होम्स, स्कूल्स एंड इन ऑफिसेस। दे कैन इवन प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पेज, दैट इज़ वाई दे आर यूज फॉर प्रिंटिंग बुक्स। अच्छा, लेज़र प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर्स हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना, ये दोनों साइड पेज के प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए ये यूज़ होता है बुक्स बनाने के लिए। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। जो लेज़र प्रिंटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पर्सनल लेज़र प्रिंटर, शेयर्ड लेज़र प्रिंटर। जो पर्सनल लेज़र प्रिंटर होता है वो इनएक्सपेंसिव होता है, नॉन बल्की होते हैं, यूज्ड इन होम्स,
प्रिंट 4 to 6 पेजेस पर मिनट, 4 से 6 पेजेस प्रिंट कर लेता है पर मिनट। और जो शेड होता है वो एक्सपेंसिव होता है, बल्कि होता है, स्कूल में यूज़ होता है, यस ऑफिस में प्रिंट्स मोर देन 30 पेजेस प्रिंट कर सकता है मिनट में। सो यही था हमारा डाटा प्रोजेक्टर, HDTV और साथ में लेज़र प्रिंटर जो कि यहाँ पे है।